सो हे गाइस, 2019 बजाज पल्सर 180F ABS के साथ में इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दी गई है। प्राइस रिवील कर दी गई है, कुछ नए फीचर्स आए हैं। ये F वेरिएंट है बजाज पल्सर 180 का, जो कि अपन 220F जैसे यूज़ कर रहे हैं उसी टाइप की ये बाइक रहेगी। सिमिलर लगेगी आपको, जो है फोटो मैंने इंस्टाग्राम पर शेयर करा है। आप में से अगर कोई लोग इंस्टाग्राम पर ऐड नहीं है, मुझसे ज्वाइन नहीं है, तो जाके ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स आप लोग मिस कर देते हैं। जैसे ही मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, अपडेट्स मिलती है, सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम पर जो है आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो वहाँ पे अगर आप ज्वाइन हो जाएंगे तो सबसे पहले आप लोगों को सभी इंफॉर्मेशन जो है देखने को मिल जाएगी। तो अभी फोटो जो है सिर्फ एक ही आया है इंटरनेट पे, जो है लीक हुआ है, वो इमेज मैं आप लोगों को यहां पे जो है शो कर रहा हूं। तो इस इमेज को आप देख लीजिए। अभी जो जो चेंजेस हुए हैं इस बाइक की, क्या प्राइस है, क्या क्या नए फीचर्स आए हैं, वो अपन जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइसिंग की ही। तो 86,500 रुपीज की एक शोरूम प्राइस पे इंडियन मार्केट में बजाज ने पल्सर 180F को ABS के साथ में लॉन्च करा है, जो कि काफी अच्छी प्राइसिंग है। क्योंकि जो अभी नॉर्मल पल्सर है, मतलब नॉन ईवीएस वाला वेरिएंट, वो 85,000 रुपीस के शोरूम प्राइस पे सेल हो रही थी। तो सिर्फ 1500 रुपीस की डिफरेंस में आपको ईवीएस भी मिल गया और पल्सर 220F के कई सारे एलिमेंट्स भी इस बाइक के अंदर जो है देखने को मिल जाएंगे। तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी, बजाज ने जो है काफी अच्छा काम करा। आपको ये जो डिसीजन लिया है बजाज ने, वो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में जरूर से बताइएगा। बाइक्स को मार्केट में आने में कम से कम जो है 15-20 दिन लग जाएंगे। जैसे ही आ जाएगी आप लोगों को रिव्यू मिल जाएगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को प्रेस करना है, ताकि सभी अपडेट्स आपको जो है देखने को मिल जाए। और कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है तो इंस्टाग्राम पे तो मैं आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करता ही रहता हूं। तो सबसे पहले जो डिटेल्स है मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसा कि पल्सर 220 में हेडलाइट आती है, ट्विन वर्टिकल स्टॉक हेडलाइट, वैसी ही अब पल्सर 180F के अंदर जो है देखने को मिलेगी। इस गाड़ी के अंदर आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलेगा। ब्रेकिंग ड्यूटीज जो है सेम है, 260mm का फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में 230mm का डिस्क ब्रेक, फ्रंट में टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉक्स, रियर में जो है 5-way एडजस्टेबल नाइट्रॉक्स शॉक एब्जॉर्बर आपको देखने को मिलेंगे। स्पेक्स की अगर बात की जाए तो सेम है वही 78.6cc का 4-stroke 2-well ट्विन स्पार्क DTSI BS4 कंप्लाइंट इंजन आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है, जो जनरेट करता है 17.2 bhp की पावर, 14.22 nm ऑफ टॉर्क के साथ में। और इस गाड़ी के अंदर आपको 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स देखने को मिलेगा। गाड़ी की वेट जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। ऑलमोस्ट 145 kg के आसपास का कर्व वेट इस गाड़ी का, 165mm के जो है ग्राउंड क्लियरेंस है। व्हील बेस वगैरह जो है सभी चीज़ें सेम रहने वाली है। इस गाड़ी के अंदर जो चेंज है वो हेडलाइट चेंज हो जाएगा। इस गाड़ी के अंदर अब आपको ABS देखने को मिल जाएगा, आपको जो है स्प्लिट सीट देखने को मिल जाएगी, जो तो ऑलरेडी मिल ही रही थी, पर ये थोड़ी सी नई स्प्लिट सीट रहने वाली है। ग्रे ब्रेल है वो थोड़ी सी चेंज होके अब और नई जो है देखने को मिल जाएगी। आपको कलर्स इसके अंदर नए इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, जैसा कि ऑरेंज कलर अपन देख ही रहे हैं। तो कुछ इस टाइप के पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। और कौन कौन से नए कलर्स इसके अंदर आते हैं वो सभी मैं आप लोगों को जो है इंस्टाग्राम पे अपडेट दे दूंगा। तो बस आज की इन्फॉर्मेशन सिर्फ यही थी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। साथ ही फर्स्ट टाइम मुझसे मिल रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऑटोमोबाइल से रिलेटेड एसी न्यूज रिव्यूज कंपैरिजन वाली वीडियो में रोज अपने चैनल पर लेके आता रहता हूं। सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल तक की वीडियो के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और हां फ्रेंड्स, ड्राइव सेफ।